तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। उलमा में कहते हैं कि अच्छे काम करो, इन अच्छे कामों की लिस्ट बता दें जो जरूरी हैं। आज लिस्टें बहुत आ रही हैं यार भाई। अच्छे काम में कि नमाज पढ़ो फर्ज नमाज पाबंदी से, रमजान के रोजे हैं, ज़कात है, जिंदगी में एक बार हज है, ये तो चार अरकान हैं इस्लाम के। उसके अलावा अच्छे कामों में क्या है, सदका खैरात करते रहा करो। हर आदमी को चाहिए अपनी इनकम में से चंद फीसद वो बस निकाले, फ़र्ज कर ले कि ये मैंने इतने फ़ीसद मैंने हर महीने सदका करना है, लाजिम कर ले अपने, मन्नत ना माने वैसे ही नियत करके लाजिम कर ले। और अच्छे कामों में क्या है भाई, दाढ़ी मत कटाओ यार। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तमाम पैगंबरों को दाढ़ी बढ़ाने का, हमें भी हुक्म दिया है। और अच्छे कामों में क्या है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह के हुकूक में ये भी, बदनजरी मत करो, ज़िना मत करो। अल्लाह ने उसके लिए अल्टरनेट हमें क्या रास्ता दिया है भाई, निकाह का रास्ता दिया है। वो करते नहीं हो, उधर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, जो करने का काम है वही। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, इनसे निकाह करो, तुम लड़कों की तरफ क्यों जाते हो। कौम ने क्या कहा, हमें औरतों में दिलचस्पी नहीं है। गुनाह कर करके ना उनकी फीलिंग क्या हो गई थी, चेंज। जैसे कहते हैं ना जो आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग दे रहे, कह रहे हैं बच्चे की फीलिंग ही नहीं है, तो बच्चे की फीलिंग है अब नहीं है, तो किसी ने बिगाड़ दी है इसकी फीलिंग, बीमार है, इसका इलाज कराओ। गोरे तो कहते हैं ना LGBTQ, इतनी लंबी पूरी ABCD इसी पर ख़त्म हो जाएगी कि फीलिंग ही नहीं है, है ही फीलिंग शी वाली है शी फीलिंग कौन सी वाली है, ही वाली हैं। भाई पैदा क्या हुआ था, फीलिंग क्या रख के पैदा, इंसान हुआ, फीलिंग कुत्तों वाली है, तो मान लोगे हम कुत्ता मान लेंगे हम उसको, हम कहेंगे इंसान है तो कुत्तों वाली फीलिंग क्यों है, इसका इलाज करा भाई। गोरा कहता है इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप ही हैं फीलिंग शी वाली हैं तो शी समझा जाएगा आपको, अगर आप शी हैं फीलिंग ही वाली हैं तो ही समझा जाएगा। मैं कहता हूँ अगर आप इंसान हैं फीलिंग गधे वाली हैं तो गधा समझ लेंगे हम उसको, क्या हो गया भाई, नहीं समझेंगे भाई, खाली फीलिंग से थोड़ी होता है यार, तो फीलिंग ही खराब हो गई है उसकी। तभी मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लिया करो ना। देखो आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत है, पता है आपको, ये बहुत अहम बात है। आइंस्टाइन से मैंने बहुत, एक न्यूटन से बहुत कुछ सीखा है, आइंस्टाइन से बहुत कुछ सीखा है। साइंसदान तो उससे कुछ और सीख रहे होते हैं, हम कुछ और निकाल रहे होते हैं उससे। आइंस्टाइन का एक नजरिया इजाफत है कि इस कायनात में किसी भी हकीकत को समझना हमारे लिए मुमकिन, उसका मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है, अच्छी तरह खोपड़ी शरीफ में बिठा लो। इस कायनात में ना किसी भी चीज़ को की हकीकत को बयान करना मुमकिन नहीं है। हम किसी भी चीज़ को समझते हैं उसके ओपोजिट से, उसके जोड़े से। ये मैं देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ, मैं कोई साइंसदान या प्रोफेसर तो नहीं हूँ ना यूनिवर्सिटी का। मिसाल के तौर पर हम जो कहते हैं ये चीज़ गर्म है, तो गर्म किसके मुकाबले में, ठंडे के मुकाबले में। ये ठंडी है तो किसके मुकाबले में गर्म, वरना ठंड को खुद से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, नामुमकिन है। हम कहते हैं ये इसका वजन 10 किलो है, तो ये 10 kg हमने एक यूनिट फर्ज की हुई है कि 1 kg इतना होता है, उसके लिहाज से ये कितना है 10 kg। वरना kg क्या है, खुद क्या है वो, मीटर हम कहते हैं, एक स्टिक है जो किसी जगह रखी हुई है, पता नहीं लंदन में अमेरिका में कहां, वो फर्ज की हुई है कि ये 1 मीटर होगी। तो हर चीज को मूवमेंट क्या है, एक चीज तेज चल रही है, एक आहिस्ता चल रही है, तो भाई तेज जो चल रही है वो उसके मुकाबले में तेज कहेंगे जो उसकी निस्बत आहिस्ता चल रही है। हरकत खुद क्या, देखो हम यहां साकिन हैं, आराम से बैठे हुए, लेकिन हम बैठे हुए नहीं है, जमीन तो घूम रही है, तो हम बैठे हुए कहां से हैं, हम भी तो जमीन के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे, लेकिन हमें, हम अपने आप को साकिन कहते हैं। वजह उसकी है कि आपके मुकाबले में ना, मैं आपके मुकाबले में एक जगह टिका हुआ, आप मेरे मुकाबले में एक जगह टिके हुए, लेकिन अगर हम दूसरे सैयारों से मुकाबला करना शुरू कर दें तो हम में से कोई भी टिका हुआ नहीं है। 1 सेकंड में 6-7 किलोमीटर हम, अभी जो मैं बात मैंने शुरू की थी ना, तो उसके बाद मैं 14 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूं, हकीकत है, कोई भी रुका हुआ नहीं है। तो हम हमेशा एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने जो जोड़े पैदा किए ना मर्द और औरत के, मर्द मर्द है औरत के अगेंस्ट, औरत औरत है मर्द के अगेंस्ट। अगर मर्द ना होता ना तो औरत औरत नहीं होती, औरत ना होती तो मर्द मर्द नहीं होता। इसी वजह से मर्द को अपने मर्द होने का एहसास शादी के बाद होता है, जब उसकी बीवी आती है, कंपेयर करता है ना फिर वो,
और औरत को अपने औरत होने का पूरा एहसास कब होता है? जब वो किसी की बीवी, जब जोड़ा बनेगा तो मर्द मर्द बनेगा ना, औरत औरत बनेगी। तो ये इतनी जरूरी चीज है निकाह करना। अगर आप जवान हो गए और आप निकाह नहीं कर रहे, मैं हल्फिया बोलता हूं इस बात का, पूरा पूरा इम्कान है आपकी फीलिंग चेंज हो जाए, पूरा पूरा इम्कान है। क्योंकि आप कंपेयर अपने आप को, आपकी कोई दुल्हन ही नहीं होती, आपको जो अपने जैसे मिल रहे हैं और आप गलत राह पे चल पड़े, तो आदमी होते हुए भी आपको औरत होने का एहसास हो सकता है। कोई होमोसेक्सुअलिटी का आदि आदमी हो, उससे पाला पड़ गया है, तो वो तो सारा मामला ही, फितरत ही बर्बाद हो जाएगी। तो लूत अलैहि सलाम की कौम के साथ यही तो हुआ था, वो लड़कों से बदफेली की आदत हो गई उनको, क्योंकि बीवी शादी की नहीं उन्होंने, शादियां देर से करते थे, तो जब लड़कों की आदत हो गई तो उनकी फीलिंग क्या हो गई, चेंज। तो उन्होंने कहा हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है, कि औरत में दिलचस्पी तो मर्दों को होती है ना, और मर्दों में दिलचस्पी औरत को होती है। तो जब औरत में औरत पना खत्म, मर्द में मर्द पना खत्म, तो फीलिंग क्या हो गई, चेंज। तो इसलिए मैं कहता हूं बर वक्त शादी कर लो बालिग होते ही, उससे आपको अपने ही होने की फीलिंग क्या हो जाएंगी, बोलो ना, बढ़ जाएंगी। खत्म हो जाए, कहां से आवाज आई, खत्म हो जाएगी। आपको अपने ही से मुराद ही होने का एहसास क्या होगा, बढ़ जाएगा। और लड़की को अपने शी होने का एहसास बढ़ जाएगा। और फिर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो ही होने का एहसास क्या हो जाएगा, डबल। तीसरी कर ली तो ही होने का एहसास तीन गुना बढ़ जाएगा। और अगर चौथी भी कर ली तो ही आपको लगेगा मैं ही दुनिया में अकेला मर्द पैदा हुआ हूं, बाकी सारे क्या हैं, अजीब से हैं। और वाकई मर्दानगी का एहसास बढ़ता है इंसान को, वाकई बढ़ता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना चार शादियों के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे तो जो है ना वो नहीं होते, भाई आपको मर्दानगी का एहसास कम होने के बजाय, जिन कौमों में चार शादियों का रिवाज है, दो दो तीन तीन बीवियों का रिवाज है, वो 90-90 साल तक जवान रहते हैं वो लोग। आप जाके देख लो, अरबों में देख लो, सिंध में ऐसे लोग हैं, बडेरों में आदत उनको, यानी उनका रिवाज है, तो वो भी 70 साल 80 साल। मैंने जब दूसरी की ना, मैं बमुश्किल 50-55 किलो का था, मैं इतना बारीक, इतना दुबला पतला था मैं जब मैंने दूसरी की है। अच्छा, फड्डे बहुत हुए थे, दबा के झगड़े हुए ससुराल की तरफ से और लोगों की, रिश्तेदारों की तरफ से, बहुत खतरनाक झगड़े हुए थे जो मैंने झीले हैं, अल्लाह ने तौफीक दी। अब हमारे मदरसे जामेतुर रशीद तक वो झगड़े पहुंच चुके थे, हमारे उस्ताद परेशान हो गए, यार क्या पता नहीं, उस वक्त तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था ना, अब तो फिर भी लोग थोड़े से आदि हो गए। तो हमारे उस्ताद ने इजलास बुलाया, मुझे भी बिठाया, मैं बिल्कुल बारीक ऐसा, बहुत पतला था मैं उस वक्त। तो अब बैठे हुए हैं, उस्ताद भी मेरे टेंशन में थे, यार जाहिर है जब जिस इदारे में आदमी काम करता है तो वहां तक भी पहुंचते हैं ना, वो भी मुतासर होते हैं, रिश्तेदार तो पहुंच रहे होते हैं, ये क्या किया है, आपके मदरसे का उस्ताद है, आप संभाल नहीं सकते अपने उस्तादों को। मैं वहां बैठा हुआ, उन्होंने बोला कि आपका वजन कितना है। अच्छा, बात चल रही थी सबके, कोई 70 किलो का, कोई 75। मेरे जब नंबर आया, आपका वेट कितना है, मैंने कहा 50 किलो। कह रहे काम कम बहुत 90 किलो का किया है तुमने। कम बहुत कलर्स तो नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ उनके दिल की आवाज़ यही थी, काम कम बहुत तुमने कितने किलो का कर लिया है। 50 था, 55 कुछ इसी के करीब करीब ही था। कहा काम तुमने 90 किलो का कर लिया, तो फीलिंग समझ रहे हो, गोरे के पास ये फीलिंग क्या हो गई है, खत्म। इसलिए मैं आपको हौसला दिला रहा हूँ,